तो हमने कुछ देर पहले ही आपसे बताया था कि मैत्री मैच जो है भारतीय सुरक्षा महिला बल जो है सुरक्षा बल और नेपाल एपीएफ के बीच में होने वाला है। यहाँ पर देखें, यहाँ पर आईजी साहब क्या कह रहे हैं सुन लेते हैं। आईजी सिलीगुड़ी फ्रंटियर सुधीर कुमार जी जो मीडिया से मुखाबले हो रहे हैं। इधर आ जाइए, इधर आ जाइए, इधर आ जाइए, माइक इधर से पकड़ लीजिए। एक बार टोपी थोड़ा सा ऊपर कर लीजिए। अरे काके है ना, थोड़ा सा घूम लीजिए सर। नहीं मैं कुछ आर तो दिखा सुना दिखा सुना लाइट तो बुझता होगा। ठीक है सर, देखो ठीक है सर। मुझे सर आज जो नेपाल और भारत के बीच जो मैच का आयोजन किया गया है इसके बारे में बताइए। आज सीमांत मुख्यालय सिलीगुड़ी सशस्त्र सीमा बल के इस प्रांगण में भारत सशस्त्र सीमा बल की महिला टीम और नेपाल आर्म पुलिस फोर्स की महिला टीम के बीच में एक मैत्रीपूर्ण मैत्री मैच फुटबॉल का आयोजन किया जा रहा है, जिसकी सूत्रधार नेपाल भारत महिला मैत्री संघ की प्रेरणा स्रोत आदरणीय श्रीमती चंदा चौधरी जी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नेपाल संसद सदस्य हैं, उन्हीं के आशीर्वाद से दो महिला टीमों का इस मैदान पर अवतरण हो रहा है। दोनों ही टीमें बहुत मजबूत इरादे वाली और स्पोर्ट्स के कौशल वाली हैं। हम सभी उनके मैच को देखकर ना केवल आनंदित होंगे बल्कि भारत और नेपाल की मैत्री को एक ऊंचे आयाम पर लेकर के जाएंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। धन्यवाद। हाँ, महिला शक्ति कितना विकास होगा सर? यस, ये खेलकूद के क्षेत्र में महिलाओं का योगदान कोई नया नहीं है, लेकिन एपीएफ और एसएसबी के बीच में छोटे छोटे मैच तो जो है कई होते रहे हैं, कई खेलकूद प्रतियोगिताएं हुई हैं अलग अलग इलाकों में, लेकिन संगठित तौर पर एक मैत्रीपूर्ण फुटबॉल मैच हम पहली बार कर रहे हैं। पर नेपाल और भारत के साथ संपर्क कैसा है? अभी बॉर्डर की बात अगर कहा, जैसे बांग्लादेश में टेंशन चल रहा है अभी इनसाइड बांग्लादेश के अंदर, तो इस तरह इधर क्या सिचुएशन? आप सभी इस चीज को अप्रिशिएट करेंगे कि हर ऑपरेशनल थिएटर अपने आप में एक यूनिक एस्पेक्ट रखता है। भारत और नेपाल का जो संबंध है वो ऐतिहासिक, सामाजिक, मार्मिक, हार्दिक, हर तरीके से बहुत सुदृढ़, सुगठित और मजबूत संबंध है। हमारे इस खेल के कार्यक्रम से यह संबंध और ऊंचाइयां लेगा और भारत और नेपाल के बीच में खुशहाली का संचार होगा। वुमेन बैटलियंस कितने हैं सिलीगुड़ी फ्रंटियर के अंदर और आप लोगों का कोई प्लान है बढ़ाने के बारे में? मैं आपको क्लियर करना चाहूंगा कि सरकार की नीति है सभी बलों में महिलाओं को उनका अधिकार 33% देने का, रिजर्वेशन देने का और 33% तक भर्ती करने का जो है प्लान है। अभी बैटालियन डेडिकेटेड टू महिला कंपोनेंट नहीं है, लेकिन महिलाएं बैटालियंस में सेलेक्ट होकर के अपने दमखम पर आ रही हैं और जो रेगुलर बैटालियंस हैं उनका हिस्सा है। रेगुलर बैटालियंस कितने हैं सिलीगुड़ी फ्रंटियर में अभी? सिलीगुड़ी फ्रंटियर में ये मैं बता सकता हूं, लेकिन मीडिया के स्तर पे नहीं। आप एक सेंसिटिव सवाल पूछ रहे हैं, फिर भी 12 बटालियन इस इलाके में डिप्लॉयड है। सर कैसे एंजॉय कर रहे हैं सर मैच को? अभी आप खुद देखेंगे और हैप्पीनेस इंडेक्स बहुत ऊंचा जाएगा। थैंक यू सर। जय हिंद। थैंक यू सर। सेंसिटिव नहीं। ओह अच्छा, ये तो आप एडिट करेंगे सर। ठीक है, तो आपसे बता दे रहे हैं ये तस्वीरें जो हम
आपको दिखा रहे हैं नेपाल की जो एमपी है चंदा चौधरी जी, वो नेपाल के जो खिलाड़ी हैं उनसे मिलेंगी और नेपाल के जो टीम के लोग हैं उनके द्वारा उनका सम्मान किया जा रहा है। और आईजी सिलीगुड़ी फ्रंटियर के आईजी सुधीर कुमार जी यहां पर मौजूद। और ये देखिए टीम के से परिचय प्राप्त करते हुए महिला टीम यहां फिलहाल एपीएफ नेपाल आर्म पुलिस फोर्स नेपाल की महिला टीम से परिचय करते हुए आईजी सर। एपीएफ नेपाल वर्सेज एसएसबी सीमा सशस्त्र सीमा सुरक्षा बल। और अब एसएसबी की टीम से परिचय करते हुए आईजी श्री सुधीर कुमार। आप सभी को बता दूं कि ये जो खिलाड़ी आपको मैदान में दिखाई दे रहे हैं उनमें से नेपाल की तरफ से 7 खिलाड़ी, क्षमा कीजिएगा 9 खिलाड़ी इंटरनेशनल लेवल के प्लेयर्स हैं। और आप तो यहाँ पर बहुत अच्छी जानकारी, नेपाल की जो टीम यहाँ पर पहुंची है उसके 9 खिलाड़ी जो है इसमें वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर के बताए जा रहे हैं। नेपाल की टीम आप सामने देख सकते हैं अभी आपकी स्क्रीन पर नेपाल की टीम और एपीएफ यानी आर्म पुलिस फोर्स नेपाल उसकी टीम और इसमें से 9 खिलाड़ी जो है वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर के बताए जा रहे हैं। और इसके अलावा एसएसबी की टीम नीली जर्सी में और जो नारंगी जर्सी आप देख रहे हैं ऑरेंज जर्सी उसमें है नेपाल की टीम और जो ब्लू जर्सी है उसमें आप देखेंगे एसएसबी की टीम को। यहाँ पर अतिथियों के साथ तो यहाँ पर फोटो सेशन करते हुए आज समारोह के मुख्य अतिथि हैं नेपाल की सांसद आई हुई है कार्यक्रम में और साथ ही यहाँ पर आप देखेंगे कि आईजी सिलीगुड़ी फ्रंटियर श्री सुधीर कुमार जी भी यहाँ पर उपस्थित। तो अब इसके साथ ही मैच का शुभारंभ अब हो जाएगा। दोनों ही टीमें यहां पर आपको मैदान में दिखाई देने वाली है। फिर बता दूं ये जो मैच है मैत्रीपूर्ण मैच है, यहां हार और जीत महत्व तो नहीं रखेगी, जीत इस बात की होगी कि कौन दिल जीतता है, कौन इस मैत्रीपूर्ण संबंध को और प्रगाढ़ करता है। वो उतर चुकी है दोनों टीमें मैदान में। आप सभी से एक बार पुनः आग्रह है कि जोरदार तालियों से इन खिलाड़ियों का उत्साह वर्धन कीजिए। मैदान से लग ही रहा है बस 2 मिनट के लिए ना दादी को दादी को क्या विकास जी फोटो लीजिए भाई कहाँ का राजा नाम करो ना फोटो वीडियो कर दे मैडम आपका नाम आपका पूरा। मेरा नाम चंदा चौधरी हुआ, मैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट फ्रॉम नेपाल एंड नेपाल इंडिया वुमेन फ्रेंडशिप सोसाइटी की प्रेसिडेंट हूँ और नेपाल भारत मित्रता सामाजिक काम सोशल वर्क पॉलिटिकल मेरा वर्क है। मैडम इंडिया के साथ नेपाल का मैच होने जा रहा है जी, तो इसमें क्या एक्सपेक्ट करते हैं आप? अगर रिलेशन की बात कर रहे हैं दोनों मुल्कों की रिलेशन जी, वैसे तो रोटी बेटी का संबंध माना जाता है नेपाल के जी, तो क्या कहेंगे? ऐसा है ये अभी जो मैच होने जा रही है मैच ही
मैत्री के लिए हम लोग कर रहे हैं, और जो नेपाल भारत महिला मैत्री समाज है और हम लोग जो इसके लिए पहल किए दोनों देश के, नेपाल के एपीएफ टीम, एपीएफ पदाधिकारियों से और भारत के सिलीगुड़ी एसएसबी आईजी सुधीर सिंह जी से पहल करने के बाद हम लोग ने जो एपीएफ वोमेन फुटबॉल टीम और एसएसबी वोमेन फुटबॉल टीम दोनों का मैत्रीपूर्ण, ये गेम मैत्रीपूर्ण गेम है और मैत्रीपूर्ण मैच है, ये वर्सेस नहीं है, विथ है, नेपाल एंड विथ विथ एपीएफ विथ एसएसबी टीम है, ये मैत्रीपूर्ण मैच है, इसमें दोनों का जीत है, हार जीत होता है, बट हम लोग अपेक्षा ये रखे कि दोनों खिलाड़ियों का एक गेट टुगेदर, मेरा उद्देश्य था कि नेपाल और भारत से मैं विगत 12-13 साल से मैत्री पर काम कर रही हूँ, और जैसे आपने कहा कि रोटी बेटी का संबंध है, मैं इसमें और जोड़ना चाहती हूँ, रोटी बेटी का ही सिर्फ नहीं, नदी नाला का संबंध है, खेत खलिहान का संबंध है, हमारे गंगा का संबंध है नेपाल से और भारत से, ऐसा है इसलिए, और एसएसबी और एपीएफ दोनों तो और खुला बॉर्डर जो हमारा 17-51 किलोमीटर बॉर्डर है, वो सारे बॉर्डर का सुरक्षा एपीएफ नेपाल से और एसएसबी भारत से, तो इन लोगों में और ज़्यादा मित्रता हो और प्रगाढ़ बने और इन लोग मिलके काम करें और दोनों देशों का और दोनों बॉर्डर का सुरक्षा इन लोग और करें, इसलिए मैं अपने उद्देश्य से, हम लोग का उद्देश्य ये था कि संस्था से ऑर्गेनाइज करके इन लोग के सहयोग में, लेकिन मैं दोनों टीम को और दोनों पदाधिकारियों को धन्यवाद देना चाहती हूँ संस्था की तरफ से, अपने तरफ से, कि ये जो है आपको इन लोगों को जो आयोजक टीम हम लोग हुए, बट जो व्यवस्थापन और सहयोग सभी इन लोग ने जो किया, इसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ, और इससे आगे भी हम लोग नेपाल भारत मैत्री पर और भी काम करने का सोच बनाए। तो मैडम, नेपाल और भारत दोनों सेनाओं में महिलाओं की भागीदारी है जो बढ़ रही है, इसे आप कैसे देखें? नहीं, हम लोग तो चाहते, मैं तो महिला अधिकार के लिए विगत 20 साल से काम करे, और मुझे तो जितना बढ़े उतना खुशी लगती है, सिर्फ सेना में ही नहीं, पॉलिटिक्स में, बिजनेस में, कर्मचारियों में, पत्रकार में, सभी में महिला का सहभागिता हो, हम लोग का मांग है कि 51% हर चीज में महिलाएं हो, इसलिए 51% खिलाड़ियों में भी हो, सब चीज में हो, ताकि देश देखे, नारी शक्ति बहुत बड़ी एक शक्ति है, और नारी जब आगे बढ़ेगी तो समाज का उत्थान होगा, घर का होगा, समाज का होगा, देश का होगा, सो नारी को आगे लाने का मैं दोनों सरकार से अनुरोध करती हूँ, और हम लोग का तो है कि 51% हर चीज में सहभागिता, नेपाल में 51% की मांग कर रहे हैं, हम लोग पॉलिटिकली जो संसद है उसमें हम लोग 33% अभी सक्सेस हो चुके हैं, नेपाल के संसद में 33% हम लोग महिलाएं हैं, चल रहे हैं जी, हम लोग मांग कर रहे हैं 51 का, बट 51 मांग के तो अभी 33 पे आ चुके हैं, 33% हम लोग है, लेकिन अभी भी हम लोग का है नेपाल में कि 51% हर चीज में, ओनली पॉलिटिशियन नहीं, ओनली संसद में नहीं, हर चीज में, सरकारी जॉब हो या खेल हो या सेना हो या पुलिस हो या एपीएफ हो, हर चीज में 51% महिलाओं का सहभागिता होना चाहिए, ताकि इसे देश का और शक्तिशाली कामों में महिलाएं द्वारा बने, इसे थैंक यू। तो ये आपने देखा नेपाल की एमपी चंदा चौधरी जी, जो कि नेपाली भारत मैत्री जो कमेटी है उसकी भी चेयरमैन है, और यहाँ पर आज उनके सहयोग से ये मैत्रीपूर्ण फुटबॉल मैच जो है, दोनों टीमों की जो महिला सुरक्षा बल है उनके बीच यहाँ पर प्रारंभ हो चुका है। आज सभी को तो ये देखिए, दोनों टीम बिल्कुल तैयार, और किसी वक्त भी विशल यहाँ पर बच सकती है, और दोनों टीमें जो है एक दूसरे भिड़ जाएगी। नेपाल की टीमें में जो आप देख रहे हैं एपीएफ टीम, उसमें 9 खिलाड़ी जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर के, और ये सीधी तस्वीरें हमने आपको दिखाई रानीडांगा एसएसबी कैंप से, जहां पर ये मैच
बिल्कुल अब शुरू हो सकता है, किसी क्षण भी शुरू हो सकता है। और आईजी सिलीगुड़ी फ्रंटियर श्री सुधीर कुमार जी ने और साथ ही नेपाल से आई एमपी चंदा चौधरी जी ने खिलाड़ियों से मुलाकात करके औपचारिकता पूरी की और साथ ही ये जताया कि दोनों देशों के बीच ऐसे खेल होने से, मैत्रीपूर्ण खेल होने से जो मित्रता है वो और प्रगाढ़ होगी और साथ ही लोग एक दूसरे के दिल से भी जुड़ेंगे। तो बंद रहे खबर समय पर और देखते रहे खबर समय, हर समय खबर समय। धन्यवाद।